क्या आपने भी इनको अपने घर में रखा हुआ है ताकि आपके घर में खुशियां आए? लाफिंग बुद्धा मतलब जो हंसता रहता है, ऐसा स्वरूप अपने घर में रखने से आपके घर में खूब सारा पैसा आएगा और साथ ही साथ में आपके घर में खुशियां आएंगी। तो बचपन से लेकर अब तक इकट्ठे किए हुए सारे गिफ्ट्स से आप अभी तक मालामाल हो जाने चाहिए थे। वास्तु एक साइंस है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लाफिंग बुद्धा और कुबेर के ऊपर मैं डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूं, बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाफिंग बुद्धा है क्या। लाफिंग बुद्धा एक कॉपी है कुबेर जी की। जी हां, फेंग शुई कुछ हद तक असल साइंस भी है, लेकिन फेंग शुई के बहुत सारे आइडियल्स जो हैं वो हमारे यहां के कॉपी हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि कुबेर जी, जिनको आज तक आप देखते आए हो, वो कैसे दिखते हैं। ये हैं कुबेर जी, जिनका असली स्वरूप ऐसा है या ऐसा भी देखने में मिलता है या पाया जाता है। हम सभी लोगों ने इतना ज्यादा वेस्टर्न कल्चर पर फोकस किया कि उन्होंने हमें जो भी दे दिया हमने आंखें बंद करके मानना स्टार्ट कर दिया। कुछ चीजें उनकी बहुत अच्छी थी, जैसे कि इंग्लिश, जैसे कि उनकी मॉडर्न सोच, जैसे कि उनके कपड़े, लेकिन बहुत सारी चीजें उनकी खराब भी हो सकती हैं, या मैं यूं कहूं कि कम सही होने के बावजूद या नॉट एक्यूरेसी के साथ में हम लोग उनकी तरफ बढ़ते चले गए। तो हमने कुबेर जी को बना दिया लाफिंग बुद्धा, जो कि एक चाइनीज फिलॉसफी। और आप सभी लोगों को पता है कि चाइनीज कितने दिन टिक पाते हैं, क्या ही उनका अस्तित्व मात्र है। जो लाफिंग बुद्धा है और कुबेर जी के तरह से कैसे बनाए हुए, क्या क्या चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना चाहिए कि क्या कुबेर जी को भी या कुबेर यंत्र को भी आप अपने घर में रख सकते हो क्या। कुबेर जी कौन थे? कुबेर जी की एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथों में एक कथा सुनने को मिलती है कि कुबेर जी जब एक आराधना कर रहे थे तो कुबेर जी चोर हुआ करते थे, तो वो अपनी चोरी की आराधना करते थे। आराधना का मतलब ये कि रोज चोरी किया करते थे। चोरी करते हुए वो एक बहुत बड़े मंदिर में पहुंच गए और उस मंदिर में बार बार जब वो चोरी करने लगते वो दिया जगाते वो दिया बुझ जाता, फिर वो दिया जगाते वो बुझ जाता, और वो इतने ज्यादा तत्पर थे कि उनको चोरी करनी ही थी, वो बार बार दिया जला रहे थे। वो मंदिर था शिव जी का और शिव है भोलेनाथ, तो उनकी ये प्रतिक्रिया देखकर शिव जी का उन पर दिल आ गया कि कहीं ये दीपक की आराधना मुझे प्रसन्न करने के लिए तो नहीं कर रहे। और शिव जी ने कुबेर जी को दे दिया वरदान धनपति होने का, पर क्योंकि वो चोर थे तो उसके साथ में उनको एक अभिशाप भी मिला, कुरूपता मिल गई। कुरूपता का मतलब तीन पैर, बड़ा सा पेट, आठ दांत के साथ में धन का रखवाला होते हुए भी धन को भोग नहीं पाएंगे। तो क्या आप अपने घर में ऐसे किसी चीज को रखना चाहेंगे जो धन के रखवाले हैं लेकिन उसको भोग नहीं पा रहे? दूसरी बात, क्या आप उसका भी चाइनीज वर्जन रखेंगे या ओरिजिनलिटी के साथ में रखेंगे? ये भी मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका कोई बहुत बड़ा नुकसान है, पर ये भी एक इनडायरेक्ट सबकॉन्शियस कॉपी है, तो आपके पास भी पैसा कॉपीड फॉर्म में ना आने लगे। मैं ये कहूंगा कि शोपीस के तौर पर रखना कुछ बुरा नहीं है, पर एज ए रेमेडी रखना ये नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस पर गलत असर दे सकता है। जब हम बात करते हैं कुबेर जी को, तो अब इनको कहां रखना चाहिए धन के लिए? कुबेर जी लॉर्ड ऑफ वेल्थ कहे गए। सोम रस जिनके पास था, सोम था जिनके पास पैसा था, तो नॉर्थ में कुबेर जी का आइडियल रख देने से आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं पैसे को कमाने के लिए। आप पैसे को प्रिजर्व करना जानते हो, लोग आपको वेल्थ क्रिएटर जानते हैं, वेल्थ क्रिएटर जानते हैं, ना कि खर्चे के तरीके से आपको देखते हैं। तो जब भी आपको वेल्थ जनरेशन की बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में आप इनको रख सकते हो। अब यहां पर एक और बात आती है, कुछ लोग कुबेर जी के बारे में ना पढ़ते हुए इनको मंदिर में रख देते हैं, जबकि इनको राक्षस भी कहा गया है, यक्ष भी कहा गया है और रखवाला भी कहा गया है। इन तीनों ही कैटेगरी में ना तो हम इनकी पूजा कर सकते हैं ना ही हम इनको मंदिर में रख सकते हैं। एक एंशियंट वास्तुशास्त्री, एंशियंट वास्तुशास्त्री का मतलब ये जो आज से 50 साल से काम कर रहे हैं, 70-75 ईयर्स की एज उनकी है, उन्होंने मुझे बोला क्योंकि ये कुबेर की दिशा नॉर्थ है तो मैंने तो वहां मंदिर बनवा दिया। क्या आप किसी द्वारपाल, किसी यक्ष या किसी राक्षस की दिशा में भी
मंदिर बनवाओगे? कभी भी नहीं। और ना ही आप उनको पूजा करोगे। आप उनको उस दिशा में रख सकते हो ताकि वो लॉर्ड ऑफ वेल्थ वेल्थ क्रिएट करें, खुश रहें और आपके घर में पैसा बरकरार रखें। तो इनको भी अगर आप रखोगे तो नॉर्थ में रखोगे, कहीं और नहीं रखोगे। और उसके बाद बात आती है इनकी, तो मेरी राय में आप इनको मत रखो। और फिर चाइनीज वर्जन की इतनी हद हो चुकी है कि इस तरीके के बहुत सारे लाफिंग बुद्धास आ चुके हैं। कोई पैसे को दिखा रहा है, कोई लव को दिखा रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। यकीन मानिए ये एज ए शोपीस बहुत अच्छे हैं, पर एज ए रेमेडी आई डोंट बिलीव। आई विल टेल यू गाइस टू नॉट बिलीव इन दीज। हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर बहुत अच्छे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज्यादा साइंटिफिक हैं। बिलीव इन आर ऑन इंडियन साइंसेज, वैदिक साइंसेज। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।